हिमाचल प्रदेश में किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल तो परिणाम के बाद साफ होगा। मगर फिलहाल इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस बीजेपी पर हावी दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस बार सूबे का सियासी मिजाज बदलेगा, क्या बीजेपी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रचार में बीजेपी के तमाम दिग्गज यही दावा कर रहे थे, प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनने की बात कह रहे थे। लेकिन इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं। प्रदेश में 5 साल में सत्ता परिवर्तन वाला रिवाज बने रहने के संकेत दिखा रहे हैं। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में 16,758 लोगों के बीच सर्वे किया गया। चुनावी सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को बीजेपी से 2% ज्यादा यानी 44% वोट मिलने की उम्मीद है। अगर वोट प्रतिशत के इन आंकड़ों को सीटों में तब्दील किया जाए तो सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के बाद अभी सीएम जयराम ठाकुर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आकलन है और मैं उसमें देख रहा था कि जो सैंपल साइज भी मैं देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं किसी टिप्पणी पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, उसमें आकलन है। परिणाम 8 तारीख को आएगा और जब परिणाम होगा तो सरकार भाजपा की होगी, निश्चित रूप से होगी हिमाचल प्रदेश में। हमारी अपनी असेसमेंट भी, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसमें भी एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने की बात कह रहे हैं। मेरा जितना वहां अनुभव रहा है, जितने समय तक मैं वहां रहा चुनाव के दौरान, और जो कुछ मैंने वहां देखा है चुनाव को, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ये आंकड़े में अंतर आएगा और हम वहां पर सरकार बनाने के कंफर्ट मेजोरिटी पर आ जाएंगे और उत्तराखंड की तरह ही हम वहां पर सरकार बनाएंगे। हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की, ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, एक ऊपर एक दो ऊपर एक दो कम। उधर एग्जिट पोल में मिली बढ़त के बाद कांग्रेस नेताओं में उत्साह है। कांग्रेस नेताओं को हिमाचल में बड़ी जीत का विश्वास है और कांग्रेस इस विश्वास की वजह स्थानीय मुद्दों को बता रही है। हिमाचल में ओपीएस, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बीजेपी के पिछड़ने की वजह बता रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आज लोग जागरूक हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, और इसमें मुझे जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव बहुत सारे पैरामीटर्स पर लड़े जाते हैं, लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। मैं खुश हूं कि हिमाचल में जीत लोकल मुद्दों की हुई है, हिमाचल में जीत असल मुद्दों की होगी और मुझे, मैं बार बार कहूंगी, जीत का फासला बहुत बड़ा होगा। हिमाचल में कांग्रेस का ज्यादातर फोकस महंगाई, बेरोजगारी, सेब के किसानों जैसे लोकल मुद्दे रहे हैं। सर्वे की माने तो कांग्रेस का इसका फायदा भी मिला। एक बड़ी बात ये भी है कि कुछ समुदायों ने कांग्रेस को बड़ा समर्थन किया, जिसका असर इन आंकड़ों पर भी दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को SC समुदाय के 34% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 52% SC वोट मिले। वहीं ST समुदाय ने बीजेपी को 44% वोट किया, जबकि कांग्रेस को ST समुदाय का 43% वोट मिला। हिमाचल प्रदेश में भले ही राहुल गांधी एक भी दिन प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहां प्रचार की कमान संभाली थी। लिहाजा कांग्रेसी नेता सर्वे सामने आने के बाद इस बढ़त का श्रेय प्रियंका गांधी को भी दे रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। तालियां बजाइए आप लोग, तालियां। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है, लिहाजा दोनों पार्टियों को 8 दिसंबर के नतीजों का इंतजार है। नतीजों से साफ होगा कि हिमाचल में रिवाज बदला या बीजेपी का राज बदला। आज तक ब्यूरो।